एस्ट्रोबैक्टर टी का बड़े काम की बायफर्टिलाइजर है और ये कई प्रकार के फसलों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे अनाज की फसलें, सब्जियों में, फलों में। ये दो प्रकार से, दो किस्म का मिलता है पूसा संस्थान में, एक तो कैरियर वाला, एक तरल। इनमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि ये इसकी, इसको आप 3 साल तक खरीदने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी आयु 3 साल है और इसकी सिर्फ 3 महीना। बाकी सब उपलब्धियों में ये दोनों एक बराबर ही हैं और इसके इस्तेमाल करने के अलग अलग तरीके हैं। बीज से उगने वाली फसलों के लिए आपको बीज उपचारण करना पड़ेगा, और अगर जिसमें पौध लगाई जाती है तो आपको जड़ों में उसका उपचारण करना पड़ेगा, और फलदार वृक्षों के लिए आपको साल में 2 बार जब नए पत्ते आते हैं उस समय इसको फलों की जड़ों के आसपास गड्ढा खोद के इसका उपचारण करना पड़ेगा। तरल के लिए आप इसको इतने पानी में मिलाएं, 1 एकड़ में जितना बीज लगेगा उसके हिसाब से आपको इसमें पानी डालना है ताकि सिर्फ बीज के ऊपर एक पतली सी परत बन जाए, और उसके बाद आप उसको आधे घंटे के लिए सुखाना है और उसके बाद उसका बुआई कर देनी है। जो पौध वाली फसलें हैं उसमें इसी प्रकार बनाना है, और 1 एकड़ में करीब 2 से 3 बोतल लगेंगी और उसको आप जड़ों में लगाकर जड़ों को आधा घंटे के लिए रख दें, उसके बाद आप बुआई कर दीजिए। जो ये पैकेट है इसका इस्तेमाल थोड़ा सा अलग है। इसके लिए सबसे पहले आपको जितनी आपको पानी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था जितना आपको पर्याप्त एक पतली सी परत बनाने के लिए पानी चाहिए उतना आप उसको पानी लेना होगा। उस पानी में 10% या तो चीनी का या गुड़ का घोल बनाएंगे और उसको अच्छी तरह उबाल लेंगे। उबालने के बाद उसको ठंडा कर लेंगे और उसके बाद उसमें ये मिलाएंगे, ये 200 ग्राम का पैकेट है, उसको अच्छी तरह मिलाकर उसके बाद बीज उपचारण करेंगे, ये पौधों की जड़ों में उपचारित करेंगे या वृक्षों में उपचारित करेंगे। इसका फायदा आपको 2 तरीके से होता है। एक तो नाइट्रोजन की बचत कराता है, आप इसको ऑर्गेनिक खेती के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ आप केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल ना डालें, या आप अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर कम करना करके डालना चाहते हैं 25 से 30% कम करके डालें तो ये फायदा देता है। और दूसरा, ये पौधों की बढ़त अच्छी करता है, तो इसको जब भी आप रखेंगे इस्तेमाल करने से पहले इसको धूप से बचा के रखना है, ठंडी जगह पर रखना है, जैसे आप अपने कमरे में रख सकते हैं जहाँ से 25 डिग्री तक टेम्परेचर हो, उससे ज़्यादा होगा 30 या ऊपर होगा तो ये ख़राब हो जाएगा। दूसरी बात, जैसे ही इसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म होती है, जैसे 3 महीना इसके लिए पैकेट के लिए और 3 साल, उसके बाद अगर इस्तेमाल करेंगे तो या तो फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा या बहुत कम फ़ायदा होगा। तो और इसको केमिकल फर्टिलाइज़र से और कीटनाशक दवाइयों से दूर रखना है। गेहूं में, मक्के में, ज्वार, बाजरा, इन सब में, अनाज वाली फसलों में, फिर अलग पत्तियों वाली सब्जियां, टमाटर, आलू, प्याज इत्यादि अलग सब्जियों में भी इसके इस्तेमाल से फ़ायदा हुआ है। फलदार वृक्ष जैसे नींबू, आम, पपीता, इन सब में इसका बहुत फ़ायदा देखा गया है।